hello students welcome to another session of computer today in last session of of our computers we'll learn about presentation that is 12th chapter of your book okay it's introduction to presentation now students in yesterday we have learned about powerpoint presentation that is एप्लीकेशन ऑफ एम एस ऑफिस ठीक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है सिमिलरली ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेशन है इम्प्रेस इट इज़ हंड्रेड परसेंट सिमिलर टू पावर पॉइंट प्रजेंटेशन यहाँ पर नाम इम्प्रेस दिया हुआ है और कुछ कुछ ऑप्शनस uh, हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं बाकी उनके फंक्शंस सेम ही हैं ओके सो वील लर्न अबाउट इम्प्रेस दफिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंटेशन बनाने का एक सॉफ्टवेयर है ओके स्टूडेंट लेट इज स्टार्ट विद क्रिएटिंग एन न्यू प्रजेंटेशन इन इम्प्रेस प्रोपर चेन थ्रू विच वी कैन क्रिएट एन और ओपन एन न्यू फाइल न्यू प्रेजेंटेशन टू क्रिएट एन न्यू फाइल टू क्रिएट एन एनी ऑफ द प्रेजेंटेशन वील गो टू एप्लीकेशन इन एप्लीकेशन गो टू ऑफिस ऑफिस वील क्लिक ऑन ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट वर्जनस दै हि इन यर बुक थ्री पॉइंट टू इज गिवन देन गो टू इम्प्रेस या फिर आपने इम्प्रेस का आइकन डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो वहाँ से भी आप क्लिक कर सक करके इम्प्रेस की विंडो ओपन कर सकते हैं इनिशियली आपके पास आएगा उसमें एम टी प्रजेंटेशन डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है दे क्लिक ऑन नेक्स्ट ओके एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट प्रजेंटेशन देन इट विल स्टार्टअप ओके

Okay, if you want them to be open, you can. Otherwise, if you want, don't want, you want more space to work with, you can close them also, right? After that comes area there you can work. Now here that area is being divided into three sections: slide pane, workspace, and task pane. Slide pane show you the number of slides you are preparing. Okay, from there also you can click and add or uh, do many of the functions we'll learn later. Okay. यहाँ से टास्क स्लाइड पेन में भी आप वो चीज़ें कर सकते हो वर्क स्पेस प्रोवाइड्स यू स्पेस वे यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन आप स्लाइड में आपको मालूम है कि प्रेजेंटेशन पूरी स्लाइड से बनती है तो कौन सी स्लाइड पे क्या क्या मेंशन करना है क्या लिखना है इमेजेस इंसर्ट करनी जो कुछ भी करना है दैट इज़ योर वर्क स्पेस ओके एंड ऑन द राइट साइड यूर कॉता टास्क पेन टास्क पेन में आपको वो पूछेगा कि आपको किस तरीके की डिजाइनिंग चाहिए कस्टम एनिमेशन चाहिए स्लाइड बहुत सारे फंक्शन है वो सब डिस्प्ले करता है एट द बॉटम यू आर हैविंग ड्राॅइंग टूल बा एंड देन लास्टली स्टेटस बा ओके लेट अस टॉक अबाउट मास्टर पेज मास्टर पेज क्या होता है एवरी स्लाइड इन प्रेजेंटेशन हैज एग्जैक्टली वन स्लाइड मास्टर लाइक यू पीपल सेलेक्ट बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करते हो जो भी वो कॉमनली हर एक स्लाइड में आता है अनटिल एंडलेस यू डोंट स्पेसिफाई के यू वॉन्ट इट फॉर यू शुड बी अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड और यू वॉन्ट दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड टू बी अप्लाइड फॉर ऑल द कमिंग अप स्लाइड्स ओके तो जो मास्टर स्लाइड में आप करेक्शंस uh, करते हैं फोन फोन स्टाइल कलर बैकग्राउंड व्हाट्स एवर दैट इज़ बीन ऑटोमेटिकली

टेबल डिजाइन टेबल्स इंसर्ट करना हम सबको आता है इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एनी ऑफ द डेटा ऑन स्लाइड इन येबल फॉर्म वी यूज टेबल डिजाइन ओके यू कैन इंसर्ट सिंपल टेबल्स ऑल्सो बट इफ़ यू वॉन्ट दैट टेबल्स टू बी हाईलाइटेड और सम डिज़ाइनर टेबल्स शुड बी इंसर्टेड सो टेबल डिजाइन आर बींग यूज यू कैन एड और डिलीट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इन योर टेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट टॉकिंग अबाउट कस्टम एनिमेशन ना कस्टम एनिमेशन यहाँ पर आपको एनिमेशन मालूम है आई हैव टॉट यू बिफोर ऑल्सो एंड यू आर वेल लव ए बेटर देन मी ओके एनिमेटेड मीन्स नॉन लिविंग थिंग को मूव करते हुए दिखाना दैट इज कॉल्ड एनिमेशन ओके द थिंग्स विच कैनॉट स्पीक बहुत बार आपने कार्टून्स में देखा होगा सब्जियाँ घर की चीज़ें ये वो सब बोलती हुई दिखाई जाती है तो एक्चुअली में वो कुछ बोलती नहीं है बट उनको दिखाया इस तरीके से जाता है तो या फिर मूव करते हुए दिखाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एनिमेशन इफेक्ट ओके इन टास्क पेन यू विल गेट दिस ऑप्शन ऑल्सो ऑफ कस्टम एनिमेशन बट बिफोर दैट यू नीड टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन विच यू वॉन्ट टू अप्लाई दैट एनिमेशन ओके डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन ऑप्शन आर बीन गिवन इन टास्क पेन टॉकिंग अबाउट स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड ट्रांजिशन मीन्स इफ़ेक्ट यू आर अप्लाइंग वाइल मूविंग ऑफ वन स्लाइड टू अनदर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज हो रही है तो किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो द अनदर स्लाइड इज कमिंग अप फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और इन द वेज फॉर्म और इन द स्पोक्स फॉर्म मैनी मनी सो मैनी ऑफ ऑप्शन सर दोके फॉर स्लाइड ट्रांजिशन तो वी कैन यूज जिस स्लाइड को हम छोड़ कर आ रहे हैं वो कैसे हटेगी और आने वाली स्लाइड कैसे आएगी दोनों पे ही स्लाइड ट्रांजिशन हम अप्लाई कर सकते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट द मिडिल पोर्शन दैट इज वर्क स्पेस ऑफ योर इम्प्रेस विंडो य इन वर्क स्पेस वन कैन वर्क विथ अ स्लाइड ओके दिस हैज कॉट डिफरेंट डिफरेंट व्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट नॉर्मल व्यू इन नॉर्मल व्यू यू कैन एड टैक्स ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इफ़ेक्ट्स नॉर्मल व्यू अलाउज यू ऑल दीज थिंग्स सेकेंड ऑप्शन इन व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल व्यू लर्न न आउटलाइन व्यू आउटलाइन ये सब व्यू सिर्फ क्या है ओनली यू आर व्यूइंग दैट पर्टिकुलर स्लाइड ऑन द स्क्रीन नॉट वाइल प्रजेंटिंग ओके आप कैसा देखना चाह रहे हो स्क्रीन पर अभी फिलहाल उसके लिए है ओके सो आउटलाइन व्यू इट विल डिस्प्ले कंटेंस ऑफ दी स्लाइड कंटेंट्स में क्या आएगा ओनली ओनली टेक्सचुअल मैटर दैट ऑल्सो लेफ्ट जस्टिफाइड लेफ्ट जस्टिफाइड मतलब क्या क्या मैटर उसमें लिखा है वो मैटर लिखा हुआ वहाँ पे वो आपको स्लाइड बाय स्लाइड दिखेगा उनके अंदर के ड्राॅइंग्स वगैरह या इमेज वगैरह हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे उनके, हो उनके बैकग्राउंड वगैरह डिस्प्ले नहीं होगा यूज़ नोट्स व्यू नोट्स व्यू इज यूज टू एड नोट्स टू अ स्लाइड हम हमारे रेफरेंस के लिए ही वो रखते हैं लाइक से मैनी टाइम्स वही प्रेजेंटेशन दिखाते वक्त वो डिस्प्ले नहीं होंगे ओके वी कैन ऐड दिस नोट्स बाय क्लिकिंग ऐड टू नोट्स आपके स्लाइड के नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक स्पेस दिखती है वहाँ पे आप क्लिक करके उसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं ताकि वो स्लाइड से पर्टनिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन हम रखना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन रखना चाहते हैं दैट कैन बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर

तो अगर हम मटेरियल तैयार करते हैं प्रेजेंटेशन में और वी क्रिएट ब्यूटीफुल मटेरियल एंड इफ़ यू वांट दैट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन हार्ड कॉपी देन वी कैन गेट इट प्रिंटेड एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन पैम्पलेट्स तो हैंड आउट व्यू में ये चीज़ पॉसिबल है लास्ट ऑप्शन ऑफ व्यू इज स्लाइड्स आउट व्यू दिस व्यू अलाउज यू टू ऑल योर स्लाइड्स इन अ सिंगल स्क्रीन दिस इज़ डन दिस व्यू इज़ यूज टू गिव डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स और अरेंज अरेंजमेंट ऑफ योर स्लाइड्स नंबरवाइज कौन सी स्लाइड आगे पीछे करनी है तो हम वहीं से ट्रैक uh, करके और उसको पोजिशन पर रख सकते हैं या फिर रिहर्सल टाइम देने का कि कौन से स्लाइड कितने टाइम तक स्क्रीन पर रहेगी उसके बाद वो चेंज हो जाएगी तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग स्लाइड्स ऑट ऑफ यू ना क्विकली वी लर्न अबाउट डिफरेंट ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन इम्प्रेस ओके यू कैन रीनेम अ स्लाइड यू कैन इंसर्ट अ स्लाइड मतलब जो स्लाइड है उसको नाम पटेल एक एक स्लाइड को नाम दे सकते हो और बीच में कहीं चाहिए या इनिशियली चाहिए तो न्यू न्यू स्लाइड्स इंसर्ट करना एनी नंबर ऑफ स्लाइड्स यू कैन इंसर्ट ओके कोई लिमिट नहीं है देन सेलेक्टिंग एंड मूविंग अ ब्लॉक ऑफ स्लाइड्स बहुत सारे स्टाइल्स एक साथ यहीं पे मूव करनी है तो उसको सेलेक्ट करके ठीक है बीच बीच में से करनी है देखो सीक्वेंस में करनी है तो हमको मालूम है कैसे सिलेक्ट करना है क्लिक करके माउस से जहाँ से करनी है उस पर्टिकुलर स्टाइल को कर क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया एंड देन यू कैन कॉपी कट जो भी करना है वो कर सकते हो ओके इफ़ यू वॉन्ट फ्रॉम इन बिटवीन स्लाइड्स टू बी सिलेक्टेड सपोज मुझे फर्स्ट करनी है फिफ्थ करनी है फिर एट्थ करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लिक ऑन फर्स्ट स्लाइड देन प्रेस कंट्रोल की एंड देन क्लिक ऑन फिफ्थ एट दैन सो ऑन ठीक है इस तरीके से ब्लॉक बना के हम उसको कहीं पे भी मूव करना चाहें तो कर सकते हैं आफ्टर दैट सिलेक्टिंग अ स्लाइड लेआउट किस तरीके का लेआउट हमको चाहिए वी कैन सिलेक्ट एंड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर लेआउट ओके देन स्लाइड मास्टर एंड चेंजेस इन द स्लाइड मास्टर यहाँ पे जो मास्टर स्लाइड होती है एज एट ओनली बिफोर ऑल्सो के इफ़ यू वॉन्ट ऑल स्लाइड्स टू बी सेम यू डोंट नीड टू मेक चेंजेस बट इफ यू डोंट वॉन्ट दैन कुछ कुछ स्लाइड्स uh, की या हर एक की इंडिविजुअल स्लाइड बना के उसमें हर एक में बैकग्राउंड डिफरेंट कलर्स डिफरेंट फॉन्स स्टाइल डिफरेंट वो सब आप करना चाहो तो कर सकते हो तो हर एक की मास्टर स्लाइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी नौ इफ यू वॉन्ट टू एड अ पिक्चर इन अ स्लाइड

ओके देन फ्रॉम स्कैनर स्ट्रेट अवे स्कैन करके स्कैनिंग यू नो वैन यू आर डूइंग जीरोक्स यू गैट इट्स कॉपी ऑन पेपर डायरेक्टली बट इफ़ यू आर यूजिंग स्कैनर यू गैट इट्स सिमिलर टू जीरोक्स ओनली बट यू गैट कॉपी ऑफ इट इन योर कॉम्प्यूटर इन योर पेंट टूल है ना वहाँ पर आपको वो चीज़ मिलती है उस पर उसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहो उसको जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो तो वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स एंड इंसर्ट इट ओवर यूर इंसर्ट ऑप्शन में जाके इंसर्ट में जाके तीनोंप्शन मिलेंगे फ्रॉम क्लिप आर ग्राफिकर यू कैन सेलेक्ट वेर सो फ्राम वेर यू वॉन्ट टू पिक दैट पिक्चर एंड इंसर्ट इट इन योर स्लाइड दैट इज द बेस्ट वे टॉक अबाउट मॉडिफाइंग ऑफ द अपियरेंस ऑफ द स्लाइड एनी चेंजेस यू वांट टू मेक टेक्सचुअल इमेज का बैकग्राउंड का कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं हम उसमें स्लाइड में देन एडिंग टेक्स्ट इनटू हेडर एंड फुटर हेडर एंड फुटर प्रायरली आल्सो आई हैव यू इन है अगेन आई एम रिपीटिंग इट हेडर इज दैट इज सिमिलर इन ऑल पेजेस वैसे नॉर्मली इसमें हम हमने सीखी है इसमें वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एथ स्टैंड में सीखा था ओके okay. यहाँ पे हम हर एक स्लाइड में कॉमनली हेडिंग में कुछ कॉमनली दिखाना चाहते हैं या फुटर में एट द एंड ऑफ द पेज और एट द बिगनिंग ऑफ द पेज जो चीज़ भी दिखाना चाहते हैं जैसे पेज नंबर है या स्लाइड नंबर है टाइम डेट या ऑथर का नाम या फाइल uh, नेम कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं दैट कैन बी एडिड एज एन हेडर एंड फुटर इन योर स्लाइड ओके लास्टली वेन योर ऑल

तो टेम्पलेट्स वो चीज़ होती है लाइक प्री डिफाइंड स्लाइड्स जो उसमें अवेलेबल हैं अगर हम वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं फाइल मेन्यू के अंदर न्यू न्यू के अंदर टेम्पलेट्स उसमें जाके हम क्लिक करेंगे तो डिफरेंट तैयार स्लाइड्स हमको मिलेगी वी कैन यूज़ दो टेम्पलेट्स वी कैन इवन क्रिएट अवर ओन टेम्पलेट्स फ्रेंड्स विद दिस वी कंप्लीट अवर ट्वेल्थ चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है बाकी आप प्रेजेंटेशन बनाना तो जानते ही हो कैसे बनाई जाती है ओके लेट मी टेल यू विद दिस वी कंप्लीट अवर नाइन्थ स्टैंडर्ड कॉम्प्यूटर पोर्शन सी यू सून इन स्टैंडर्ड एग्जाम्स हुए स्कूल खुले तो मिलेंगे नहीं तो फिर टेंथ में तो हंड्रेड परसेंट आई एम हैविंग होप के मिलेंगे See you soon. Bye-bye.